पावरफुल बैटरी बनाने के लिए हमें यहाँ पर बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है। और गाइस ये काफ़ी हैवी बैटरी होती है, ये 18650 लैपटॉप की बैटरी होती है। और गाइस यहाँ पर ये 2000 mAh की है, यानी यहाँ पे 2 ampere की एक बैटरी होने वाली है। तो हमारी बैटरी यहाँ पे 12 volt और 2 ampere की बन जाएगी जब हम इसको सीरीज में जोड़ देंगे। तो अब ये कहोगी कि सीरीज क्या होती है, तो चलिए हम सीरीज में आपको एक बार जोड़ के बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इस पर लिखा हुआ होता है, जैसे गाइस ये पॉजिटिव है और गाइस यहाँ पे नेगेटिव को हमने ऐसे जोड़ दिया, फिर ये पॉजिटिव है और फिर इसका नेगेटिव हमने यहाँ पे ऐसे जोड़े, तो गाइस ये वो यहाँ पे 12 वोल्ट बन जाती है, सीरीज में हो जाता है कनेक्शन। तो यहाँ पर चलिए गाइस हम इसकी सोल्डरिंग करने वाले हैं यहाँ पर। तो सोल्डरिंग करने से पहले हमें इसके ऊपर सैंड पेपर है गाइस वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे डायरेक्ट सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है और सोल्डरिंग झट से गाइस उतर जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सैंड पेपर है गाइस वो लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे सैंड पेपर मारने के बाद आपको एक प्लास से इसको खड़ी कर देना है बैटरी को। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे, जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ये गाइस हमारा पॉजिटिव सिग्नल होता है, जहाँ पर ये बटन टाइप में बना हुआ होता है। और गाइस वैसे गाइस यहाँ पर लिखा हुआ भी है साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्लेन सरफेस होती है गाइस, ये हमारी नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव पर भी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। गाइस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बैटरी के ऊपर ज़्यादा देर तक आयरन को नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बैटरी होगा इसको ख़राब हो जाएगी अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक इस पर सोल्डरिंग करते रहते हो ना एक जगह पर, तो गाइस बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक सोल्डरिंग नहीं करनी है। तो मैं फटाफट से गाइस यहाँ पे जितनी भी बाकी की मतलब एक बैटरी बची है इस पर यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर तीनों पॉजिटिव के ऊपर सोल्डरिंग कर दिया और तीनों नेगेटिव के ऊपर हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब इसके ऊपर कनेक्शन काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 वायर को कट कर लिया है। अब देखिए गाइस यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव के ऊपर हमने जोड़ दिया, और जो दूसरी बैटरी होगी इसके हमें नेगेटिव के ऊपर इसको सोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर इसकी जो है ना वोल्टेज है वो गाइस डबल हो जाएगी, लेकिन गाइस एम्पियर उतने ही रहेंगे, 2 ampere ही रहेंगे इसके, लेकिन गाइस इसकी वोल्टेज यहाँ पर डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जोड़ दिया। अब जो दूसरी बैटरी है इसका नेगेटिव लेंगे और इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ये सीरीज कनेक्शन होता है गाइस। तो मैंने यहाँ पर इसको सोल्ड कर दिया है। अब गाइस जो सेकंड वाला बैटरी है इसको हम यहाँ पे पलट लेते हैं और इसके पॉजिटिव पे हमें जो एक वायर बचा हुआ है इसको यहाँ पर हमें सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। अब जो गाइस थर्ड बैटरी बची हुई है इसका हमें यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर इसको सोल्ड कर देना है। तो फाइनली ये सीरीज में हो चुकी है, आप लोग देखिए गाइस। तो यहाँ पर देखिए पहले का जो पॉजिटिव था वो दूसरी के नेगेटिव से जाके लग गया, और जो दूसरी का यहाँ पे पॉजिटिव निकला था वो तीसरी के नेगेटिव से जाके लग गया। और यहाँ पर देखिए एक आउटपुट पॉजिटिव निकला, एक आउटपुट नेगेटिव निकला। तो अब हम इन तीनों को यहाँ पर टेपिंग की मदद से चिपका लेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये कनेक्शन फिर हट जाएंगे, बार बार हिलेगी। तो ये तो हमें इन बैटरी को हटेला नहीं बनाना है, मैं यहाँ पे जो टेप है गाइस इसकी मदद से इसको यहाँ पे चिपका लूँगा। आप यहाँ पे 2-sided टेप होती है उससे चिपका सकते हो, ग्लू स्टिक से भी यहाँ पे चिपका सकते हो। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी मजबूती के साथ चिपका दिया। अब गाइस जो ये वायर है इसको हम यहाँ से नीचे की तरफ मोड़ लेते हैं, और गाइस ये वाला वायर है इसको भी हम नीचे से मोड़ लेते हैं। तो अब काफ़ी देखने में मस्त लग रही है। अब गाइस मैं 2 वायर को लेकर आया हूँ यहाँ पे, रेड एंड गाइस ब्लैक। तो रेड वाला गाइस इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और गाइस ब्लैक वाला जुड़ेगा इस बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो मैं इन दोनों को भी यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने दोनों को वायरों को जोड़ लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हो। और गाइस देखिए यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, पता नहीं गाइस आपको दिखाई भी दे रहा होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं एक जैक लिया गाइस जो 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट होता है, एक यहाँ पे IN4007 का डायोड लिया है। तो डायोड के जहाँ पे सिल्वर कलर होता है ये पॉजिटिव होता है, ब्लैक कलर वाला नेगेटिव होता है। तो अब जो ये फीमेल सॉकेट है इसकी बीच वाला यहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइड वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो डायोड का नेगेटिव है ना वो फीमेल सॉकेट के पॉजिटिव से जोड़ना है ब्लैक वाला। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने इसको सोल्ड कर दिया है, डायोड का नेगेटिव फीमेल सॉकेट के पॉजिटिव से सोल्ड कर दिया। अब जो डायोड का पॉजिटिव है हम बैटरी के पॉजिटिव पे जोड़ेंगे और फीमेल सॉकेट के नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनका कनेक्शन कर लिया है पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए। तो गाइस आपको यहाँ पे चार्ज का सिस्टम तो हो गया, तो यहाँ पर इससे बैटरी चार्ज होगी लेकिन गाइस करंट नहीं दे पाएगी, तो उसका भी हम जुगाड़ निकालेंगे आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2 ampere का चार्जर लेकर के आया हूँ और यहाँ पे 12 volt का है,
एक घंटे में बैटरी को पूरी फुल कर देता है। तो इसमें हम यहाँ पे चार्ज तो होगी बैटरी लेकिन वापस करंट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे दूसरी बैटरी कुछ ही दिन पहले बनाई थी, अगर नहीं देखी चैनल पे जाके देख लेना। देखिए ये मोटर काफ़ी बड़े से चल रहा है तो मैं आपको बताऊँगा कि ये बैटरी करंट क्यों नहीं देगी। तो अब मैं इसके यहाँ पे चेक करा के आपको दिखा देता हूँ। अगर गाइस हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का लगाएंगे तो यहाँ पर ये चल जाएगी, यहाँ पर काफ़ी बड़े से चल रही है। लेकिन गाइस हम यहाँ पे फीमेल सॉकेट जो है ना वहाँ पर हम लगाएंगे तो देखिए यहाँ से बैटरी नहीं चलेगी। मैंने देखी यहाँ पर बैटरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, यानी मोटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यानी बैटरी करंट ही नहीं दे रही। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यहाँ पे ये फ़ायदा होगा गाइस, यहाँ पे हम इसको चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग तो लेगी लेकिन गाइस वापस करंट नहीं देगी, इससे हमारी बैटरी ख़राब होने से बच जाएगी। तो आपको डायोड का यहाँ पे यही फ़ायदा होता है, आपको डायोड लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे BMS नहीं लगाते तो डायोड लगाना पड़ेगा। अगर मैं इन वायर को साइड में लगा देता हूँ तो यहाँ पर ये चल जाएगी, देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े से चल रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, बहुत ही ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे दो वायर को कनेक्ट किया है इसके पास, तो यहाँ पे मैं देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए मैं इन दो वायर को यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इधर से करंट आएगा अगर हम ये कुछ चीज़ें हमें चलानी होगी। तो अब देखिए मैं इस मोटर को चला करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए काफ़ी बढ़िया सी ये मोटर यहाँ पर चल रहा है, तो करंट इसमें से अब इधर से आएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको चार्जिंग भी लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं और गाइस यहाँ पर हम इसको चार्जिंग कर लेते हैं। एक घंटा आपको चार्ज करनी है क्योंकि बैटरी 2 एम्पीयर की, चार्जिंग भी 2 एम्पीयर का है। इन वायर को आपको आपस में टच नहीं करना है, यानी कोई सी भी बैटरी हो किसी भी प्रकार की बैटरी हो आपको उनके वायर आपस में टच नहीं करनी है, बैटरी ख़राब हो जाती है ऐसी। तो मैं इसको यहाँ पे चार्जिंग के लिए छोड़ देता हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे लगाएंगे तो पूरी फुल चार्ज हो जाएगी, ज़्यादा नहीं लगानी आपको। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर इसको चार्जिंग से हटा लिया क्योंकि यहाँ पे फुल चार्ज हो चुकी थी, 1 घंटा इसको लगे हुए हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पर इससे कुछ चीज़ लगा के दिखाने वाला हूँ। ये है गाइस 12 वोल्ट की LED जो कि गाइस बाइक में यूज़ की जाती है और यहाँ पे 12 वोल्ट का बल्ब भी है। तो पहले इसको चलाते हैं जो बाइक में यूज़ की जाती है ये कैसी जलती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पर वायर जोड़ने वाला हूँ, तो चलिए जोड़ते हैं। नहीं जली तो सॉरी गाइस, यहाँ पर वायर उल्टे लग गए तो यहाँ पर वायर को चेंज करते हैं। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे जलती है या फिर नहीं। और वाह गाइस यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी ज़्यादा मस्त आ रहा है। और गाइस आपको इतने चानने में नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये वीडियो है ना काफ़ी चानने में बनी हुई है। तो अभी तो आपको इसका चानना थोड़ा घटिया दिखाई दे रहा होगा लेकिन गाइस यहाँ पे मतलब काफ़ी तेज़ इसका रोशनी थी। अब यहाँ पे इसको लेंगे 12 वोल्ट और गाइस 20 वाट का ये बल्ब है, मतलब काफ़ी तेज़ ये रोशनी करता है और काफ़ी मतलब करंट भी लेता है। तो इसको भी इसने काफ़ी बड़े से जला दिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे गाइस अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।